जहां आज के युवा सोशल मीडिया पर अपना वक्त खराब करते हैं, वहीं एक युवा ऐसा भी है जो बच्चों को स्लम एरियो में जाकर शिक्षा देता है। शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार सभी बच्चों को किस्मत में नहीं मिल पाता। हम बात करें उन गरीब परिवार के बच्चों की, जिनके परिवार के पास लॉकडाउन में खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं थी, या ऐसे बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं। ऐसे ही गरीब बच्चों के लिए मसीहा बनकर उभरे एक युवा जो पिछले कुछ सालों से अपने 6 लोगों की टीम के साथ स्लम एरिया में जाकर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। सर, उन बच्चों के लिए हमारी टीम में जो एक अलग से मेंबर है, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए, सैनिटाइजर यूज करते हुए, आंगनवाड़ी सेंटर में या गवर्नमेंट स्कूल में 5:1 का रेशो रखकर पढ़ाया जाता था, जिसमें बच्चों को कम से कम 3 गज की दूरी रखी जाती थी और उन्हें मास्क पहनाकर निःशुल्क एजुकेशन दिया जाता है। तो आप जब अकेडमिक्स में इतने अच्छे, तो आप अपने लिए क्या सोचते हैं, आप आगे जाकर क्या करना चाहते हैं और किस प्रकार से समाज की सेवा करना चाहते हैं? सर, अभी करेंटली मैं सेकेंड ईयर में हूँ। 2022 में UPSC IAS का अटैम्प्ट दूंगा, तो अगर मेरी मेहनत से और सबकी ब्लेसिंग से अगर मेरी पोस्टिंग होती है, तो मेरा मेन फोकस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है एजुकेशन से काफी कुछ चेंज किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड आई एम द पार्ट ऑफ द निःशुल्क एजुकेशन सिस्टम कलम से कला। ये निःशुल्क एजुकेशन प्रणव ने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, जब इसे मैं अपने सीनियर्स के अंडर में रहकर इस मिशन को आगे बढ़ाने में प्रणव का सहयोग करती हूँ। इसमें मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, इसमें मैं स्लम एरिया में जाकर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करती हूँ तथा उनके मम्मी पापा की काउंसलिंग करती हूँ कि इन्हें पढ़ा करके आगे बढ़ाएं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जभी तो बढ़ेगा इंडिया। हेलो, आई एम मोना अग्रवाल, कलम से कलाम निःशुल्क एजुकेशन की सीनियर मेंबर हूँ। हमारी टीम पिछले 2 वर्षों से इंदौर के विभिन्न विद्यालयों में रोजक और ज्ञान में सेमिनार का आयोजन कर रही है। हमारा मेन फोकस इस्लाम एरिया के बच्चों को शिक्षित करना है, जिससे वे अपने सपनों की ऊंची उड़ान भर सके। कम एंड ज्वाइन अस। थैंक यू।